तो गाइस आज हम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के कुछ मिथ कंफर्म या फिर बस्टेड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिथ हमारा क्या कहता है, तो ये मिथ दिया है सोनम जी ने। तो ये कहते हैं कि हॉर्स और एक बाइक को साथ में चलाओगे तो होगा मैजिक। तो चलिए गाइस इनका मिथ भी ट्राई कर लेते हैं। तो हॉर्स और एक बाइक कहा था, तो हॉर्स में यहाँ पे फोन कर लेता हूँ और इसके बाद एक बाइक कहा था उन्होंने, तो मैं बाइक कौन सी लेता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पे स्प्लेंडर ही ले लेते हैं, ओल्ड वाली। तो अगर इन दोनों को एक साथ चलाएंगे तो मैजिक होगा। तो अभी मैं इन दोनों को एक साथ चला के देखता हूँ, ये बटन आ चुका है बैठने का। तो अभी मैं देखता हूँ हॉर्स और बाइक को एक साथ चलाने में होता क्या है। ये मैं बैठ चुका हूँ और अबे ये क्यों हो चुका है, वो मेरा करेक्टर सीधा खड़ा हो चुका है गाइस, आपने देखा ये क्या, इसकी टांगे इतनी लंबी क्यों गई और ऐसे क्यों खड़ा हुआ है गाइस, आपने देखा क्या खतरनाक मैजिक हुआ। सो गाइस ये कंफर्म मैजिक है और ये मिथ भी कंफर्म निकली। सो गाइस मैजिक तो खतरनाक ही हो गया। गाइस आपने भी कभी बाइक ऐसे चलाई है खड़े होके? नहीं। किसी ने ऐसे बाइक चलाओगे तो टांगे टूट जाएंगी, फिर लंगड़े होके घूमोगे, हे रे मर गया। अबे चुप कर सिंचन। सो गाइस ये सिंचन पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो ये मिथ तो कंफर्म निकली, अब हम सेकंड मिथ देखते हैं अपनी। तो ये मिथ दी है हमें अनिल जी ने। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी कार को ब्लास्ट करेंगे और उसके बाद भी उस कार का कलर चेंज हो सकता है, तो इनका मिथ भी ले लेते हैं। तो अभी मैं इसी कार को ले लेता हूँ, ये सामने जा रही है तो मैं इसको ब्लास्ट कर देता हूँ। मैंने ब्लास्ट कर दिया, अब मैं देखता हूँ ये मिथ ट्राई करके इसका कलर चेंज। अरे हाँ गाइस कंफर्म इसका कलर चेंज हो रहा है गाइस, सच्ची में इसका कलर चेंज हो रहा है, ये देख सकते हैं RGB हो चुकी है और ये ब्लास्ट है। तो ये वाली मिथ भी कंफर्म निकली। सो गाइस आज की सारी मिथ कंफर्म जा रही है। अरे अभी देखता हूँ अगली वाली कंफर्म नहीं होगी। हाँ देखता हूँ, चलिए अब हम अगली मिथ देखते हैं अपनी। तो ये वाली मिथ दिया है हमें हर्षन जी ने। तो गाइस ये कहते हैं कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की सेटिंग में जाओ और जॉयस्टिक सिलेक्ट करो और गेम ओपन करो, फिर 712 चीट कोड नंबर लगाओ, फिर कोई भी बाइक पर बैठो, जॉयस्टिक को नीचे करो और फिर देखो मैजिक। चलिए गाइस अब हम देखते हैं, सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल्स में जॉयस्टिक को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करना था। अरे कोई सी भी बाइक के ऊपर बैठता था नहीं, उससे पहले 7112 चीट कोड डालना था। हाँ 7112 चीट कोड डाल दिया, तो ये तो मून ग्रेविटी के चीट कोड है। चलिए देख लेते हैं गाइज ये क्या था, जॉयस्टिक सिलेक्ट कर रखे ना, हाँ सिलेक्ट है। सो गाइज इन्होंने कहा था कि जॉयस्टिक को नीचे करो फिर देखो मैजिक। ओबे 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 ये देखिए गाइज, आप देख सकते हैं क्या कंट्रोल हो रही है गाइज इसमें, तो मस्त है गाइज, ये तो उड़ाने के लिए ईजी है। इस वाली मिथ में ये वाली मिथ कन्फर्म निकली। ओ भाई साहब इससे तो हम हवा में भी उड़ा सकते हैं बाइक को। तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं अभी मैं इस बाइक को पूरा इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा के दिखाता हूँ। सो गाइज जॉयस्टिक को ऊपर कर नीचे करो और यहाँ पर इस बाइक को ऊपर चढ़ा दो। तो ये देखिए गाइज अभी मैं बाइक को ऊपर चढ़ा देता हूँ और ये देख सकते हैं गाइज ये मिथ कंफर्म निकली, मैजिक हो चुका है गाइज, पूरी बाइक क्या खतरनाक लग रही है ऊपर चढ़ती हुई। ओ भाई ये कहाँ पहुँच गया मैं। सो गाइज आपने देखा ये मिथ की वजह से तो मैं पूरा स्पेस में पहुँच जाऊँगा। ये मिथ तो एकदम कंफर्म थी। हाँ गाइस मिथ तो कंफर्म निकली और गाइस मैं स्पेस में पहुंच चुका हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं स्पेस से नीचे आता हूँ, तब तक हम अपनी दूसरी मिथ ट्राई करते हैं। तो ये मिथ दी है हमें रौनक जी ने। सो गाइस ये कहते हैं कि अगर हम लोग ट्रेन के पास जाकर कोई सी बाइक मंगवाएंगे तो ग्लिच होगा। चलिए देखते हैं। तो गाइस मैं यहाँ आ चुका हूँ ट्रेन के पास। ओए चलो फिर से स्प्लेंडर मंगवाते हैं। हाँ चलिए स्प्लेंडर मंगवाते हैं। तो गाइज ये मैंने मंगवा दिया और ग्लिच तो हुआ नहीं। रुको गाइज मुझे लगता है इन दोनों में एक साथ बैठना होगा। तो ये वाला ग्लिच तो मैंने कभी ट्राई किया नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है। ग्लिच तो हुआ नहीं। अबे नहीं ग्लिच तो हुआ नहीं कुछ। चलिए गाइज दोबारा करके देखते हैं। अब मैंने करा एक कुछ ग्लिच तो हुआ था, देखता हूँ क्या होता है ग्लिच पर, हो तो कुछ रहा नहीं है गाइज। मुझे लगता है जो ग्लिच था या फिर मिथ थी ये कंफर्म नहीं है, ये बस्टेड निकली। अरे चलो फाइनली एक मिथ तो बस्टेड निकली। हाँ गाइस एक मिथ बस्टेड निकली। तो रौनक जी आपकी मिथ बस्टेड निकली, थोड़ी कंफर्म मिथ देते ना, आज की वीडियो कंफर्म मिथ पर बन जाती। चलिए कोई बात नहीं गाइस अब हम अगली मिथ पर चलते हैं। तो ये मिथ है कि RGS टूल में लिखो फोन कलर येलो तो देखो मैजिक। हाँ गाइस ये मिथ तो मुझे पता है, फोन कलर येलो लिखने पे
सो गाइस हमारा फ़ोन का कलर येलो हो जाएगा, ये तो मिथ कंफर्म निकली। अरे गाइस मैं उस बंदे का नाम लेना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, उस बंदे को शाउट आउट दे देते हैं। और गाइस अभी मेरे पास एक आखिरी मिथ बची है गाइस, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को शाउट आउट दे देता हूँ। सो गाइस आज की वीडियो का सबसे पहला शाउट आउट आता है विशाल को, और दूसरा शाउट आउट आता है हीरो गेमिंग इंडिया को, और चौथा शाउट आउट आता है हीरो गेमिंग इंडिया को, और तीसरा शाउट आउट आता है आई के गेमर्स को, और चौथा शाउट आउट आता है द गेमर को। सो गाइस अगला जो हमारा मिथ है वो है कि अगर हम कोई भी गाड़ी जोम्बी के ऊपर चढ़ाएं फिर हमारा करेक्टर गाड़ी से बाहर एयरपोर्ट वाले जोम्बी रोड में रहने वाले नहीं। अबे ये क्या था। चलिए गाइस अभी मैं चलता हूँ, ये जोम्बी वाला चैलेंज मैंने चला दिया, अब मैं एयरपोर्ट वाले जोम्बीज के पास चलता हूँ। सो गाइस अभी भी मैं ये जॉयस्टिक से ही इस बाइक को चला रहा हूँ, गाइस बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है जॉयस्टिक से बाइक को चलाना। चलो कोई बात नहीं गाइस, इसको चलाएंगे फिर भी। हाँ गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, अब मुझे कोई भी गाड़ी के ऊपर बैठना है। तो अभी मैं कौन सी गाड़ी को मंगवाता हूँ, बुकाटी को ही मंगवा लेते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अभी ऑडी आती है, हाँ मैंने 500 डाला था ना। ओए चलो अभी इन्हें ठोकते हैं। अभी 9129 डालना चीट कोड भूल गया मैं। सो गाइस वो इन्फिनिटी हेल्थ का होता है ना, नहीं तो मैं मर ही जाऊँगा। वैसे मिथ में बोला तो नहीं था ना इन्फिनिटी हेल्थ डालना, पर मैं डाल देता हूँ क्योंकि मैं मर जाऊँगा ना बीच में आके इनके। तो ये मैंने डाल दिया, अब इनके ऊपर चढ़ा देते हैं। सो गाइस इन्होंने कहा था हमारा करेक्टर बाहर आ जाएगा, चलिए देखते हैं मेरा करेक्टर बाहर आता है कि नहीं आता है। सो गाइस अभी तक तो आया नहीं है। अरे ये क्या अरे आ गया। अबे हाँ गाइस हमारा करेक्टर बाहर आ चुका है, ये देख सकते हैं इसमें से। सो गाइस आप देख सकते हैं अब ये जोम्बीज मुझे लगता है रोड के बाहर नहीं आएंगे, इन्होंने कहा था ना। चलिए देखते हैं, मैं आ चुका हूँ रोड पे, और गाइज अभी रोड के बाहर तो आने नहीं चाहिए थे एयरपोर्ट से, लेकिन गाइज ये आ चुके हैं। सो गाइज ये मिथ आधी कंफर्म आधी बस्टेड निकली, क्योंकि करेक्टर तो बाहर आ चुका था पर ये जोम्बीज क्यों बाहर आ गए। चलिए गाइज मुझे इनसे भागना पड़ेगा क्योंकि गाइज ये आखिरी जोम्बीज अब मुझे मार डालेंगे। चलो गाइज आपके पास अगर कोई मिथ या फिर ग्लिच हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपका ही ग्लिच अगली वीडियो में लूंगा। तो गाइस अब मैं मुझे लगता है इस वीडियो को समाप्त करने वक्त आ चुका है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस मिलते हैं आपके वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।